जानना व सीखना चाहते हैं, हम उसी के बारे में आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाए हैं, यानी हम माइक्रो टीचिंग का श्यामपट कौशल किस तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और किस तरह से हमें बनाना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है और टिके रहना और डटे रहना है, ताकि आप पहले सीख सकें कि किस तरह से आपको श्यामपट कौशल बनाना है, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप श्यामपट कौशल प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए और टिके रहिए। अगर आपने अभी तक राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर माइक्रो टीचिंग की संपूर्ण जानकारी मिल रही है और मिलती रहेगी। तो चलो आज का हम आपका श्यामपट कौशल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कौशल का नाम आ गया श्यामपट कौशल, और समय या फिर समय अवधि आपको मिल जाएगी 5 से 7 मिनट, और कक्षा हम यहाँ पर कक्षा 7 का लेकर आए हैं। जिस कक्षा का आप लेना चाहते हैं वहाँ पर आप अपनी कक्षा डाल दीजिए, और विषय आपका हिंदी, और पाठ्य वस्तु आपकी हो गई व्याकरण, और विशिष्ट उद्देश्य या फिर जिसे प्रकरण हम कहते हैं वो आपका हो गया क्रिया, जिसे हम प्रकरण या फिर विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं वो आपका हो गया क्रिया। तो प्रकरण को आपको अंडरलाइन करना बहुत ही जरूरी है, तो इसे अंडरलाइन अवश्य कर दीजिए। बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में गलती करते हैं कि प्रकरण को अंडरलाइन नहीं करते हैं, जिसके कारण उसे रीटीच मिल जाती है। और आप यहाँ पर देखिए दिनांक आपको वही दिनांक लिखनी है जिस तरह आप अपना लेसन प्रेजेंटेशन कर रहे हो बच्चों के सामने, तो वो आपको यहाँ पर दिनांक डाल देनी है। आगे की प्रक्रिया के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिए। यहाँ पर आप देखिए पाठ्य वस्तु, यहाँ पर पाठ्य वस्तु में आप सबसे पहले वही प्रक्रिया लिखेंगे जो आपको बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं, यानी जिसके बारे में आप बच्चों को बोर्ड पर नोट करवाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको छात्रा अध्यापक या फिर छात्रा अध्यापिका या फिर छात्रा अध्यापक व्यवहार क्रियाएं यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो वहाँ पर आपको प्रश्न पूछे, जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं बच्चों से वो करेंगे, और छात्र सहभागिता में आप वही लिखेंगे जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, यानी छात्र सहभागिता यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल सकता है, या फिर छात्र क्रियाएं आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपका श्यामपट कार्य हो गया, यहाँ पर आपको एक श्यामपट चिपकाना है, इस तरह से देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हमने बड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दी है, उसके बाद में हम आपको अभी बताने वाले हैं कि किस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए पाठ्य वस्तु में आपको क्या लिखना है, जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आप सबसे पहले क्रिया की परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद में आपको लिखना है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसके बाद में आप देखिए सहकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर आप और डीप लिखना चाहते हैं तो सहकर्मक क्रिया के भेद भी लिख सकते हैं, तो सहकर्मक क्रिया यहाँ पर आ जाएगी, सहकर्मक क्रिया किसे कहते, जिसमें क्रम प्रयुक्त होता है उसे सहकर्मक क्रिया कहते हैं, इस तरह से लिखना है। और अकर्मक क्रिया जिसमें क्रम का अभाव होता है उसमें क्या होती है। उसके बाद में आप सहकर्मक क्रिया के, अगर आपके पास पेज बच जाता है तो भेद भी लिख सकते हैं कि सहकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन से होता है, एकर्मक और द्विकर्मक। उसके बाद में आप यहाँ पर ध्यान से देखिए अपने नैनों को खोलकर कि बच्चों को आपको कौन कौन से क्वेश्चन पुट करने हैं। तो देखिए जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। सबसे पहले अब बच्चों को आप ये ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे, उसके बाद में आप बच्चों से आकलन करेंगे, तो इस तरह से आप जो आपको पढ़ाया गया है उनसे आप रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद में देखिए क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद कौन कौन से होते हैं, तो सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इस तरह से आप यहाँ पर बच्चों से पूछ सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कि आपको क्या पूछना है और क्या नहीं। उसके बाद जिस क्रिया से क्रम प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो सहकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में क्रम प्रयुक्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं, यानी अकर्मक। पहले आपको ब्लैक बोर्ड पर ये सभी बात यहाँ पर पढ़ाना होता है, उसके बाद में आपको जो आपने पढ़ाया है उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरह से जो हमने अभी लिखकर आपको बता दिया, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछने हैं। और ब्लैक बोर्ड पर आपको इस तरह से शॉर्ट में ही लिखना होता है, तो ब्लैक बोर्ड पर आपको क्या करना है, क्रिया के कौन से भेद होते हैं, सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इस तरह से आप अपना फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद में आपको उदाहरण लिखना है सहकर्मक क्रिया से, तो सहकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा दर्जी कपड़े सिलता है, और अकर्मक क्रिया का आपका उदाहरण हो जाएगा बच्चा सो रहा है, तो ये कौन सा होता है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया, इस तरह से आपको लिखना। देख लीजिए ध्यान से, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, आपको दिखाई देने लग जाएगा। सहकर्मक क्रिया के 2 उपभेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अकर्मक और द्विकर्मक। हो जाएगा उद्देश्य कथन, तो उसमें हम लिखेंगे, तो बच्चों आज हम क्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, विस्तार से पढ़ने वाले हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले और सबसे स्टिक इन्फॉर्मेशन मिल सके।
अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्लासरूम में हम श्यामपट्ट कौशल किस तरह से दे सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हमारी इस पर एक स्प्रेड वीडियो बनी हुई है, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर जाना है और हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट का नाम है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, वहाँ पर आप जाइए और आपको मिल जाएगी कि क्लासरूम में आप किस तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है rajasthan.exam, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम के साथ।